हेलो गाइस, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं लंच आज का, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई। मुझे 12:30 बज गए। गुड मॉर्निंग, आपसे कर नहीं पा रही हूँ, मतलब कर ही नहीं सकती। अब 12:30 होने वाला है। वो मैस पड़ा है, कल मैंने एक एक वीडियो शूट किया था, मैंने दिखाते हूँ, तो उसका ये देखो सारा सामान उसका पड़ा हुआ है। ये अभी समेटूँगी मैं ये। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हरी मिर्च, प्याज, आलू कट कर लिए हैं, और इसमें नमक ऐड करूँगी। अब मैं नमक, जीरा और थोड़ा सा मिर्च डालूँगी। ये सब चीज़ें मिलाकर बस थोड़ा सा सूजी और डाल देनी है। सूजी से क्या होगा, ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। उसके बाद मैं बेसन ले रही हूँ, और ये बेसन जो है ये फॉर्च्यून का है, काफ़ी अच्छा वाला बेसन है ये वाला। आप चाहो ले सकते हो, अच्छा मतलब ब्रांड अच्छी काफ़ी है ये वाली बेसन की। एंड बस इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी, और ये मैं थोड़ा सा, ये एडिशनल स्टेप है, आपको पसंद हो आप डाल सकते हो, नहीं पसंद हो मत डालना। मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, क्योंकि मेरे घर में भी और मुझे भी काफ़ी पसंद है इसका फ्लेवर, सो दैट्स वाई मैंने ये डाला है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल कर रही हूँ। कढ़ाई को प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, और सिल्वर वाली मुझे लेनी है, क्योंकि बट से लॉकडाउन चल रहा है, मैंने पता भी किया बट अभी कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा, तो मैंने अब इसमें पकौड़े डाल दिए देखो, और आप देखना कितने क्रिस्पी बनेंगे ये। या कैमरा थोड़ा सा शेक करता है, क्योंकि मैं ही कैमरा मैन होती हूँ, मैं ही शूटिंग करती हूँ, तो सारा कुछ मैनेज नहीं हो पाता, तो हिलता है इसलिए कैमरा। तो यहाँ पे इनको अच्छे से अब हम पलट लेंगे थोड़ा सा। देखो आप क्रिस्पीनेस देखो, एकदम देख रहे हो कितना, मतलब काफ़ी टेस्टी बने थे। सो ये आया था कुछ सामान जो मैंने मंगाया था, वैसे ग्रॉसरी नहीं है ये, थोड़ा बहुत सामान था जो ख़त्म हो गया था, और जैसे लाइक ये पोहा था, थोड़ा सा मैगी थी, ये मसाले थे। ये देखिए गीतांजलि का पोहा, काफ़ी अच्छा वाला पोहा है ये, एकदम अलग अलग खिला खिला बनता है। सो ये पोहा है, और उसके बाद अब बिस्किट मंगाए मैंने, बिस्किट और भी मंगाए थे लेकिन ये वाला यहाँ पर रखा था। एक्चुअली मैं केक बनाने की सोच रही थी, तो मैंने इस वजह से ये मंगाया था, और भी मंगाए थे मैंने, पूरा पैकेट ही मंगा लिया था इनका खैर। और ये मंगाई है ये पी, क्योंकि येलो वाली मिली नहीं, बाकी मेरे हस्बैंड को तो येलो ही पसंद है, ये मैं ही खा लेती हूँ, वो मिली ही नहीं है कहीं। ये अजवाइन ख़त्म हो गई थी तो अजवाइन मंगा ली, थोड़ा सा नेसेसरी सामान। ये छोले मसाला था, दो छोले जो आप मतलब खाते हैं ना वाइट वाले, ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये कसूरी मेथी है, और ये देगी मिर्च थोड़ा सा सब्जी को कलर अच्छा देने के लिए। एंड ये जूस मैं वैसे ये मंगाती नहीं हूँ, बट रेयर घर में आ गया था सो इसलिए। एंड देन ब्रेड, और ये है मेरा ब्राउन ब्रेड, क्योंकि हम ये लोग हम लोग खा लेते हैं, वैसे मेरे हस्बैंड वगैरह नहीं खाते, ये मैं ही खाती हूँ, उन्हें उस इसमें टेस्ट नहीं आता। एंड देन ये बेसन देखो जो मैंने यूज़ किया था ना, ये फॉर्च्यून वाला बेसन, ये वही वाला बेसन है। तो बस यही सब छोटा सा मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था जो ख़त्म हो गया था। यहाँ पर हस्बैंड को देने जा रही थी ये, वो है क्या बोलते हैं उसे, मठा। हो गई हूँ फ्री, खाना मैंने भी खा लिया, सबने खा लिया खाना, और अब मैं करूँगी एडिटिंग आराम से लेट कर। फैन को पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल हवा ही नहीं दे रहा है। तो चलो मैं आपसे मिलूँगी थोड़े आराम करने के बाद, और करूँगी एडिटिंग, देन फिर कुछ करूँगी बाद में। अब 2 घंटे तो मैं आराम करने वाली हूँ, 2 घंटे आराम करूँगी, साथ ही साथ लेटे लेटे एडिटिंग भी करूँगी। सो फिर चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद। अच्छा, अब मैं ना डायरेक्ट ये रात को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग करते करते सो गई थी, तो मेरे जो पकौड़े बचे थे उन्हीं की मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने तेल में बस जीरा डाल दिया, ये ग्रेवी जो मैंने बनाई थी थोड़ी सी, टमाटर, प्याज, अदरक की, तो ये बस उसी को मैंने, इसकी ग्रेवी बना लूँगी मैं। और ये पकौड़े मैंने दिखाई दिए आपको, ये थोड़े से लेफ़्ट ओवर बच गए थे, तो फिर उसी के हैं ये सुबह के। और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस ये बेसिक से मसाले हैं जो आप खाते हो, जो आपको अच्छे लगते हैं। मिर्ची थोड़ी कम डाली है मैंने, बस ये कश्मीरी मिर्च जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, ये पुराना वाला, एक्चुअली इसमें ख़त्म होने वाला है, बट मैंने नया मंगा लिया, और इससे जो कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, ये ना बेबे ब्लर कर जाता है ना, एकदम धुआं आता है ना इस पर, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि जब हम पकौड़े डालेंगे ना तो पकौड़े जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसमें खटाई भी डाली मैंने अभी, आपने देखा ना, सो खटाई डाल दी बस सब्ज़ी को, थोड़ा सा ये वो हो जाए ना, थोड़ी सी और पक जाए, मतलब खोल जाए थोड़ी सी, ये सब्जी बन गई है। और एक तरफ
हम बना रहे हैं राइस। अच्छा राइस मैं ऐसे वाले बनाती हूँ, ये थोड़ा पानी ज़्यादा करते हैं ना, पानी निकाल देते हैं, तो ये वाले राइस नुकसान भी नहीं करते आपको और काफ़ी अच्छे बनते हैं। देखो ये मैं खीर बना रही हूँ, खीर दूध काफ़ी ज़्यादा बच गया था, मेरा दूध रखा हुआ था तो मैंने सोचा खीर ही बना लें। तो ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गोला है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, बस ये ड्राई फ्रूट तैयार कर लूँगी। ये गोला मैंने मतलब ग्रेट कर लिया है इससे ग्रेटर से बस, और ये जो बादाम है इनको मैं, जो अदरक नहीं कूटते जिसमें, इसमें ये मैं सारा कूट लिया है मैंने इनको, एक्चुअली काटने में थोड़ा आला सरता है, थोड़ा सा डेकोरेशन करने की कोशिश की है। आप कमेंट में करके बताना आपको कैसे लग रही है, एक्चुअली काजू नहीं थे ना तो उतना मज़ा नहीं, काजू और चिरौंजी ये ना हो ना तो खीर में मज़ा नहीं आता, ये दोनों चीज़ नहीं थी तो इनकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी खीर में, ऐसा नहीं है कि पता नहीं पड़ रहा था, बट चलो लॉकडाउन चल रहा है, जो चीज़ है उससे काम चलाएंगे। सो बस खीर भी रेडी हो गई है। लास्ट में आपने क्या करना है, अच्छा खीर में एक ट्रिक है, आप घी डाल दो एक या दो चम्मच अपनी खीर की क्वांटिटी देखकर, मैंने एक चम्मच डाला है, अल्टीमेट वाला टेस्ट आ जाता है, आप एक बार ट्राई करके देखना फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा ये मैं खरबूज काटे थे मैंने खाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं भूख लगाई थी बनाते बनाते। अच्छा ये मैं भूल गई थी कि अगली नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये आप मत सोचना इतना तला भुना खाती हूँ मैं, जी नहीं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, और ये मेरे फ्रेंच फ्राइज का मतलब दो दिन पहले मैंने बना के रख दिए थे, मतलब स्टोर करके रखते हैं फ्रीज़र में उस तरीके से, तो ये ख़राब ही हो जाते हैं। मैंने कहा चलो हस्बैंड बोल रहे थे ये कर लो, जैसे मैंने कर लिया। अच्छा घर में कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा बस मैदा ऐड कर लिया इसके अंदर, बस टिश्यू पे निकाल लिया, एक्चुअली ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया इसमें से, और बस चाय में मैं ये गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ क्योंकि मैं चीनी नहीं पीती हूँ बस, और ये थोड़ा सा इनके ऊपर फ्राइज़ के ऊपर मैं चिली फ्लेक्स